और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। फंदा लगा के शेर को मारा। आपने मारा कि नहीं? हाँ हमने मारा। शेर का गोश्त खा लेते हैं, तेंदुआ का खा लेते हैं, और साहब हम सेई का गोश्त खा लेते हैं, बिगन्ना हो तो उसके खा लेते हैं, लड़ैया ऐसा वो खा लेते हैं, और साहब लुखैया होती है उसका भी खा लेते हैं, और साहब नोरा होता है उसको भी खा लेते हैं, और गोई होती है साहब उसको भी खाते हैं। शेर के लिए मार लेते हैं, उसका गोश्त निकाल के चुरो देते हैं साहब। एक लकड़ी का दो लकड़ी में जल्दी उबल जाता है, बिल्कुल सबसे पानी गोश्त होता है उसका। खाने में कैसा लगता है? और साहब आगे Even today, the nomadic tribe of Pardis traditionally depend on poaching for their livelihood. Thus, the activities of thousands of Pardis have become a great danger, not only to the survival of the tiger, but also to other wildlife. Pardi children acquire poaching skills as a family tradition. The nomadic and poverty-ridden life of a Pardi deprives their children even the facility of education and schooling. Growing concern about depleting tiger population has drawn government's attention towards the Pardis. पारधियों की तरफ हमारा ध्यान लगभग 5-6 साल पहले गया था, जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जहां भी वन्य प्राणी अपराध हमारे दृष्टि में आए उन सभी में कहीं ना कहीं पारधी जुड़े हुए पाए गए, चाहे संसार चंद के साथ जो जुड़े हुए प्रकरण थे वो, या उसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में, कर्नाटका में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, जहां भी वन्य प्राणी अपराध कोई बड़े अपराध नजर में आए हैं सभी जगह ऐसा पाया गया है कि पारधी समुदाय से जुड़ा हुआ है। सो हु आर द पारधीज, व्हाई डू दे पोच? पहले इसको ये समझा जाए कि इनकी जो ये जो शिकार से जुड़े हैं इसका कारण क्या है। तो ये बात समझ में आई कि ये इनका परंपरागत धंधा है। सैकड़ों हजारों साल पहले ये हमारे जो शासक थे, राजा रजवाड़े लोग थे, उनके साथ शिकार में मदद किया करते थे, और फिर उसके साथ हमारे जो किसान, बड़े किसान हैं, पिछले सैकड़ों सालों से वो अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए इन लोगों का उपयोग करते आए हैं, और यहाँ तक इनको अपने इस धंधे के अलावा, शिकार के अलावा कोई और धंधा आता ही नहीं। बिफोर इंडिपेंडेंस हंटिंग वॉज कंसिडर्ड अ स्पोर्ट फॉर द एलिट्स। तो वहाँ सरकार ने हमें कोई हमें आदेश दिया कि कोई शिकार हमें खिलाओ, पारधी लोग तो हमारा नाम ही, हमारी जाति ही सही, शिकार करने में हमारा आजा गया, उसमें चीता पकड़ा, चीता होते थे साहब ना तो आपने भी देखा ना हमने देखा, वो चीता पकड़ा, उसका चीता का क्या किया सर कि उसके गले में डोर बांध के और परेड में घुमाया उस चीता, चीते को, और सरकार ने, राजा साहब ने उसकी शिकार किया। The elitist hobby deployed Pardis as skilled and abled help, thus causing complete extinction of cheetahs. Today's elitist demand for tiger parts could well lead to a similar extinction of the tiger, with an obvious Pardi connection again. The hunting and poaching has been completely banned now, but the government seems to have overlooked the education and rehabilitation of hunting tribes like Pardis, Bahelias, Chidimars, Mogias and Babarias. The result being that the tiger today stands at the brink of extinction. In the remote interiors, Pardis still hunt and poach defying the legal ban. आज साहब हिरन को पकड़ लूंगा दुख चुक के, यदि कम से कम ही तो 2,500 का 2,000 का बेच दूंगा, और खरगोश को आज पकड़ लूंगा, जबकि
250 का 300 का खरगोश आज बेचूंगा। तीतर दुख दुख के मेरे बाल बच्चे पकड़ लाएंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं तो 150 रुपए का तीतर एक जोड़ा चला जाएगा। फॉर देयर लाइवलीहुड पारधीज किल ऑलमोस्ट एनी वाइल्ड लाइफ रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स टू लायंस एंड टाइगर्स। While wandering across India, they will kill any wildlife at the first opportunity they get. Most of the Pardis don't own any land or property nor have a permanent home. This forces their children also to wander around with their parents. These wandering Pardi families sometimes wander away as far as Nepal and kill wildlife there too. नेपाल में देखा था है? उड़ीसा में। क्या उड़ीसा में कैसा देखा था आपने? मारा था। किसने? हम लोग। अच्छा, तुमने नेपाल में देखा था, क्या हुआ था थोड़ा बताओ। सही, हमारे पापा लोग ने मारा था, सही बहुत सही। हाँ सही, मार सही खा ले ले आज। डेरा डाले थे नेपाल में, तो हम लकड़ी बीन में गए थे, उन सारे बहरिया लोग लकड़ी बीन में गए थे, तो वहाँ का क्या था, शेर था घास में, शेर छुपा दिखा तो हम दौड़ के भाग गए। फिर घर हमने कहा कि यहाँ यहाँ वो बाघ मिला था, बाघ तो सब लोग कहे बहरिया के कहाँ मिला था हमको बता देना अड्डा, तो बता दिया हमने अड्डा, तो वहाँ वो फांसा है ना, तो उसको लगा दिया, तो फांसा को लगा दिया, तो फिर वहाँ रात को फिर शेर आया तो फिर फंस गया वहाँ, तो जग गए, वो घड़े रहा था करके घड़े रहा था, तो सब बहलिया जग गए, तो फिर वो सब बहलिया लाठी उठाके और मारने लगे, मार के इसने के 200-300 ऐसे लाठी खल गई। जब वो खत्म हुआ, फिर खत्म होकर उसकी चमड़ी निकाल के और जंगल में नीमक ले आए, फिर सुखा के उसको और फिर ले गए। फिर क्या किया खाल का? उसको फिर बेच दिया। कितने की बिकी? 2 लाख की। कुल सारे बहलिया थे 50-60 घर के। कहाँ बेची? यहाँ का, दिल्ली का। शैंटीज और डेराज एज दे आर नोन एक्ट एज स्कूल, colleges and universities for the younger generation of Pardis. It is here that they start learning the skills by catching small birds like pigeons and graduate to trapping and killing larger wild animals. Some of these children grow up to be ace hunters and poachers and find employment with big wildlife smugglers like the infamous Sansar Chand. Be it remote wilderness or protected areas like national parks, nothing is beyond the access of Pardis. पिछले साल ही इनके 2 डेरे पर हमने रेड किया था, कान्हा नेशनल पार्क के किनारे पर। इनके पास में जब ये रेड किया गया था तो इनके पास से कुछ खाले और मांस अलबत्ता मिला था, कुछ हड्डियां भी मिली थी। Given the poverty and illiteracy, the Pardis depend solely on hunting as a way of subsistence. It is for this reason that new and innovative methods must be applied to bring them into mainstream of social life. तो पारधियों को हमारे जो सामान्य तरीके हैं, पुलिसिंग के तरीके हैं, उनको दंड देने के, उनको पकड़ने के, अपराधों को रोकने के जो तरीके हैं, ये तो हमेशा से हम अपनाते आए हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा प्रभाव उसका पड़ा नहीं है। The tiger is already on the verge of extinction. It is clear that merely making laws to save and conserve wildlife is not enough. In the country's move towards progress and modern life, the Pardis have unfortunately been left out. There is thus an urgent need to pay attention to them. ये एक सामाजिक, आर्थिक एवं लॉ एंड ऑर्डर विषय का एक प्रॉब्लम है। सिर्फ